वेलकम बैक टू चैनल शिवन की दुनिया ब्लॉग। तो दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 2 और मैं कर रही हूँ तैयारी मनाली और शिमला जाने की। तो हम लोग कानपुर से जाने वाले हैं मनाली और शिमला के लिए। तो इसके लिए लगभग 2 दिन से मैं तैयारी कर रही हूँ। तो लास्ट ईयर हम लोग गए थे नैनीताल के लिए और नैनीताल पे जाते वक्त मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने उस वक्त भी एक ब्लॉग बनाया था जब मैं पैकिंग कर रही थी और मैंने दिखाया था कि क्या क्या ले जाना चाहिए, कैसे ले जाना चाहिए। लेकिन मुझे ट्रूली स्पीकिंग खुद ही वहाँ जाके पता चला कि किस तरीके के हमें वहाँ पर हिल स्टेशन पर कपड़े पहनने चाहिए। मैंने अपने लगेज में ज़्यादातर जो कपड़े रखे थे ना वो कॉटन वियर रखे थे, यानी जो कुर्तीज़ वगैरह रखी थी और लेगिंग्स और प्लाजोज़ वगैरह इस तरीके के कपड़े मैंने रखे हुए थे। और मुझे जाके वहाँ पर कई सारे कपड़े वूलन खरीदने पड़ गए थे। तो अब मैं आपको ये आज जो बताने वाली हूँ वो मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस से बताने वाली हूँ ताकि आप लोगों का जाते ही वहाँ पर किसी तरीके का कोई खर्चा ना हो और आप लोग बड़े आराम से घूम घाम के वापस आ जाएँ। ये और बात है कि आपको अगर कुछ पसंद आए वहाँ पर, आप कुछ लेना चाहें तो ले सके, लेकिन हाँ इस मजबूरी से नहीं कि आप अपने लगेज में कुछ चीज़ें नहीं लाए हैं तो आपको वहाँ पर लेनी पड़ेगी। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि जब भी विंटर्स होते हैं तो विंटर्स के वूलन क्लॉथ्स लाइक ग्लव्स है, सॉक्स है और कैप्स हैं बच्चों के लिए, जैकेट्स वगैरह, और किस तरीके के कपड़े हमें वहाँ पहनने चाहिए तो हमें थोड़ा जाते वक्त आइडिया नहीं होता। तो आज मैं आपको इस ब्लॉग में यही बताने वाली हूँ अपने पिछले एक्सपीरियंस से जो मैंने नैनीताल में किया था। मिस्टेक हिल स्टेशन पर जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल दिसंबर जनवरी की ठंड मिलने वाली है वहाँ पर। जितना आप हाइट पर जाते हैं उतनी ज़्यादा ठंडक बढ़ती जाती है, तो इस बात को ध्यान रखिए। ये मत सोचिए कि आप किस वेदर से जा रहे हैं, ये सोचिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप यहाँ पर तो सर्वाइव कर पा रहे हैं गर्मी में, लेकिन वहाँ जब ठंड होगी तो ये कपड़े आपके वहाँ या ये चीज़ें आपकी वहाँ काम आएंगी या नहीं, आपको किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी पैकिंग जो कि मैंने अपने लगेज की है, और बहुत ही झटपट से मैं आपको एक आइडिया दे दूंगी किस तरीके की आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आपको वहाँ पर अटेंडेंट जाते ही कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट ना पड़े, और रास्ते से ही जैसे आपको ठंड हो तो आप किस तरीके की पैकिंग रखें कि आप उस ठंड से बचते हुए अपने विजिट को कम्प्लीटली हैप्पली कम्प्लीट करें। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि मैंने किस तरीके की तैयारी करी हुई है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है एक मेरा छोटा सा सूटकेस और ये है मेरा एक हैंडबैग। इसके साथ ही मैंने एक स्लिंग बैग ले रखा है जो मैं खुद कैरी करूंगी, और यहाँ पर मैंने एक और हैंडबैग ले रखा है थोड़ा छोटा सा है जिसमें मैंने कुछ ज़रूरी चीज़ें रखी हैं। क्या रखी हैं ये अभी हम वन बाई वन करके देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि मेरे साथ मेरा बेटा जा रहा है जो देखिए अभी पीछे सो रहा है, शोना बाबू, और साथ ही मेरे मामू, मेरे मामी और एक भैया भी जा रहे हैं। तो इन लोगों ने तो अपनी पैकिंग कर रखी है, थोड़ा मैंने इन लोगों को आइडिया दे दिया था कि किस तरीके से इनको अपनी पैकिंग करनी है। तो जब हम लोग किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो एकदम से हम लोग जो सफ़र करके जाते हैं तो उस वक्त तो हम लोगों को नॉर्मल कपड़ों की ही ज़रूरत होती है। जिस भी क्लाइमेट से आप होते हुए जा रहे हैं आप वैसे ही कपड़े पहने, लेकिन बस ये सोचिए कि जैसे जैसे आप हिल टॉप पर जाते हैं उसी तरीके से आपका जो सीज़न होता है वो चेंज हो जाता है, पूरा टेम्परेचर आपका बहुत ही डाउन हो जाता है, ठंडक बहुत हो जाती है। आप बिल्कुल ये सोचिए कि आप दिसंबर जनवरी की ठंड में पहुंचने वाले हैं, तो इस हिसाब से आप अपने आप को तैयार रखिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ तैयारी करी है, चलिए पहले उसे देख लेते हैं। इस बार मैंने बिल्कुल कुर्ती वगैरह ज़्यादा नहीं रखी है, मैंने कुछ डेनिम्स रखी हुई हैं क्योंकि डेनिम्स जो होती हैं वो विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। विंटर के साथ साथ जो आपके नॉर्मल वेदर होता है उसमें भी बहुत ही अच्छी लगती हैं, तो ये हमेशा चलने वाली हैं। तो इस बार मैंने डेनिम और जेगिंग का कलेक्शन रखा हुआ है, तो ये एक ब्लैक कलर की डेनिम देख सकते हैं आप, फिर ब्लू कलर की डेनिम है, और ये हमारी एक जेगिंग है। जो जेगिंग लेने का मकसद ये कि देखिए ये हमारी एक कॉटन की कुर्ती है, तो इसके साथ मैं मिक्स एंड मैच करके पहन लूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुछ टॉप मिलेंगे, तो टॉप में मैंने कॉटन के अलावा जो थोड़ा मोटा थ्रेड वाला टॉप है ना ये मैंने ले रखा है। इसके साथ ही मैंने एक टॉप ये ले रखा है, ये भी मैंने ट्रेंड से लिया, जब मैं पहनूंगी तब देखिएगा। एक टॉप मैंने ये रखा हुआ है कॉटन का टॉप है व्हाइट कलर का, तो इसका कॉम्बिनेशन जब मैं बनाऊंगी तब आप लोग देखिएगा कि मैंने किस हिसाब से लिया, किसको मैं कैसे पहनूंगी। और साथ ही ये मैंने एक वूलन श्रग रखी हुई है, लॉन्ग श्रग है, काफ़ी अच्छी है ऑरेंज कलर की, और इसके साथ ही मैंने कॉटन की ब्लैक फुल स्लीव्स की श्रग रखी हुई है। तो जैसा वेदर होगा, अगर हल्का वेदर है तो इस तरीके से पहन लिया जाएगा, ये शो के लिए इस तरीके से पहन लिया जाएगा। इसके साथ ही मैंने कुछ जैकेट्स वगैरह रखी है, आपको मैं वो भी दिखाऊंगी। और आप इधर देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बच्चे के कुछ कपड़े रखे हैं, इसमें भी मैंने मिक्स एंड मैच रखा है, कुछ कॉटन की टी शर्ट रखी हुई हैं, और यहाँ पे मैंने कॉटरेस की पैंट रखी हुई है, इसका डेनिम रखा हुआ है, ये भी वूलन पैंट रखी हुई है बच्चे की मैंने। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मैंने तैयारी कर रखी है। और यहाँ पर देखिए ये मेरा एक वूलन सूट बिल्कुल नया, जो कश्मीरी वाला सूट होता है ना वो मैंने अपना आज ही टेलर के यहाँ से उठाया, काफ़ी दिनों पहले से पड़ा हुआ था ये और मैंने विंटर्स में से लिया नहीं था, आज मैंने इसे उठाया है। तो कभी बीच में मैं इसे किसी दिन में 5-6 दिन का हमारा टूर है तो किसी वक्त मैं इसे भी पहन लूँगी, तो एक थोड़ा सा न्यू लुक हो जाएगा। और साथ ही बच्चे के देखिए वेलवेट के कपड़े, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी वहाँ पे मैं उसे ये पहना दूँगी।
साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बच्चे के लिए जिस तरीके के उसके कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं बस उससे मैचिंग थोड़ी सी मैंने कैप्स ले ली है, ये देखिए ऑरेंज और ये रेड ब्लू, और साथ ही साथ मैंने दो उसका इनर रख लिया है, और ये एक नाइट सूट मेरा है, एक नाइट सूट बच्चे का है। तो नाइट सूट ज़रूर रखें क्योंकि होटल में जब आप जाते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप चेंज कर सकें। ये तो था इस बैग की कहानी जो मैंने आपको दिखाई। अब इसके साथ ही आप आ जाइए ये हैंड बैग के ऊपर, इसमें मैंने कुछ जैकेट्स बच्चे की रखी हुई है, ऑब्वियसली बात है ये बच्चे के जो कपड़े हैं उनसे मैचिंग की मैंने कुछ जैकेट रखी हुई है जो हम मिक्स एंड मैच इस तरीके का रखना है हमें कि कम से कम दो दो ड्रेसेस तो उसकी बन ही जाए, बच्चे को जिस हिसाब से भी उसे पहनाना है और ख़ुद को भी जैसे पहनना है, तो ज़्यादा लगेज भी ना हो लेकिन कपड़े आप अलग अलग तरीक़ों से पहन सकें तो ताकि वो अलग अलग दिखे, लगे ऐसा कि जैसे आपने कई तरीके की ड्रेसेस पहन रखी हैं। ये मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगी भी जब मैं पहनूंगी। साथ ही मैंने बच्चे का ये एक और जैकेट रखा हुआ डेनिम लुक पे है, और ये मैंने अपनी जैकेट्स रखी हुई है, एक ब्लू कलर की है और एक इसके नीचे काफ़ी हैवी सी है ब्लैक कलर की जैकेट मैंने रखी हुई है, तो वो भी मैंने रखी हुई है क्योंकि ज़्यादा विंटर, ज़्यादा ठंड, ज़्यादा बर्फ़ वाली जगह पे होंगे मैं, तो जहाँ पर लोग ओवरकोट वगैरह पहनते हैं तो वहाँ पर मैं वो उस हैवी जैकेट को पहनूंगी और इस डेनिम के साथ में पहनूंगी या मिक्स एंड मैच करके जेगिंग वाइट के साथ में पहनूंगी, तो ये इससे डिफरेंट डिफरेंट लुक आ जाएगा। जब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक स्लिंग बैग लिया है, लेकिन इसे दिखाने से पहले मैं आपको ये वाला एक हैंड बैग दिखाना चाहूँगी कि इसने मैंने क्या क्या रखा है। हम ट्रेन में से जाएंगे तो ट्रेन में जो छोटा बैग होता है ना वही हम लोगों के करीब होता है, तो उस करीब वाले बैग में मैंने कुछ ज़रूरत की चीज़ें रख दी हैं, जैसे अपनी हैंड टॉवल्स रख दिया है, ये हैंड बैग छोटा सा मैंने डाल दिया है। वाले बैग में देख सकते हैं ये छोटा सा एक मैंने पाउच रखा हुआ है, और इसमें मैंने ये जो छोटा सा एक बॉक्स रखा हुआ है ये बेसिकली ज्वेलरी बॉक्स है, मैंने इसमें अपने इयर रिंग्स, पेंस वगैरह छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसमें रख दी हैं। थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ आपको, देखिए फ्रेंड्स, तो जिस तरीके के मैंने कपड़े रखे हुए हैं ना उन्हीं से मैचिंग करते हुए मैंने ये क्लच और ये पेन, हेयर पेन, ये इयर रिंग्स, टॉप्स वगैरह मैंने सब रखा हुआ है ताकि मुझे मतलब वहाँ से कुछ परचेज़ ना करना पड़े, कुछ बेसिक चीज़ें मेरे पास हों जिससे मैं अपनी हेयर स्टाइलिंग और अपने कान वगैरह में मैं अच्छे इयर रिंग्स वगैरह पहन सकूँ। बैग के अंदर मैंने एक छोटा सा बैग रखा हुआ है, और इस बैग में मैंने सॉक्स, हैंकी अपनी और बच्चे की, थोड़े से अंडर गार्मेंट्स टाइप मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। गाइस, इसी बैग में मैंने एक पैकेट रखा हुआ है जिसमें मैंने बच्चे के डायपर्स रखे हुए हैं। रुशान को रात में डायपर मैं लगाती हूँ ताकि बिस्तर ना खराब हो। साथ ही मैंने यहाँ पे अपना रुशान का टूथब्रश रख लिया है, सोप रख लिया है, टूथपेस्ट रखा है, शैम्पू वगैरह रख लिया है। ये छोटा सा आप कोई बॉटल भी ले सकते हैं, बट वहाँ विंटर रहता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ने वाली नहीं है बार बार हेयर वॉश करने की, तो मैंने इतनी चीज़ें ये रखी हैं। इसको हटाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर एक कॉस्मेटिक का किट रखा हुआ है। कॉस्मेटिक के किट में मैं क्या क्या रखती हूँ वो तो आप लोग को मालूम ही है कि जो भी चीज़ें हमारी फाउंडेशन बेसिक मेकअप के लिए जो ज़रूरी होती है वो हमने रखी है। उसके साथ ही मैंने इसमें नान खटाई मंगाई थी अपने लिए मुंबई से, तो नान खटाई है, अफलातून का हलवा है, थोड़ा सा स्नैक टाइप का, और बच्चे के लिए कुकीज़ है, वेफर्स वगैरह मैंने इस बॉक्स में रखा हुआ है। ये आपका कुकीज़ बॉक्स हो गया, देन ये मेकअप बॉक्स हो गया, जहाँ ज़रूरत लगे आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं। उसके बाद डायपर वगैरह की ज़रूरत पड़े और टूथपेस्ट, टूथब्रश वगैरह तो वो यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। देन इस बॉक्स में सारे सॉक्स, ग्लव्स और इस तरीके के आइटम्स हैं, तो जब भी बच्चों को ठंड लगे या आपको महसूस हो तो यहाँ से निकाल के सॉक्स वगैरह पहने जा सकते हैं। ये जो बैग है ना ये बिल्कुल जब मैं सीट पर बैठूंगी ना तो यही मेरे पास रहेगा, बाकी ये वाला बैग और ये वाला बैग तो मैं बिल्कुल एकदम मैं इसको लॉक करके एक साइड में ही कर दूंगी क्योंकि इनकी ज़रूरत मुझे होटल में ही पड़ने वाली है। मैंने ज़्यादा नहीं बल्कि दो ही बैग लिए हैं, एक दोनों स्लिंग बैग है, इसमें मैं अपना कैश वगैरह रखूँगी, अपने कार्ड्स वगैरह जो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे बिल्कुल पास में ही है, तो इसे मैं रख के आराम से जो हो अपने ऐसे टांग के चाहे मैं लेटी रहूँ या बैठी रहूँ हर वक्त मेरे पास रहेगा। और साथ ही मैं आपको दिखा दूँ इसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ें रखी हुई हैं, ये देखिए मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम रखी हुई है और ये क्रेयंस, लिप क्रेयंस रखा हुआ है, लिप लाइनर थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए, ये देखिए मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर भी ऊपर ही रखा हुआ है थोड़ा सा टचअप करने के लिए। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेन की टिकट्स को मैंने रखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने रखी हुई है ट्रेन की टिकट्स, ईजी टू एक्सेस है, जैसे ही टीटी आएंगे मैं उनको दिखा दूंगी क्योंकि बैग तो मेरे साथ ही रहना है। और साथ ही मैंने यहाँ पर एक गॉगल रखा हुआ है, और भी हैं बट मैंने ज़्यादा की लालच नहीं करी कितना रख लें, तो मैंने एक छोटा सा डेटा केबल के साथ अपना अडैप्टर रख लिया है, चार्जर, एक सैनिटाइज़र रख लिया है, बच्चे को कुछ खिलाना हो या कुछ कुछ खाना हो। साथ ही मैंने जो स्मार्ट वॉच ली है उसका भी मैंने यहाँ पर रख लिया है केबल, फेस वॉश रखा हुआ है, शैम्पू रखा हुआ है कहीं होटल में मुझे ज़रूरत पड़े तो, और इसकी एक और जिप है जो बहुत ही पास मेरे रहने वाली है तो उसमें मैंने ये रखा हुआ है, पेपर सोप रखा है। साथ ही मैंने एक अपना जो स्मार्ट वॉच ली है ना तो उसका मैंने अभी पूरा मैनुअल नहीं पढ़ा है कि इसमें क्या क्या किस तरीके से उसमें यूज़ करते हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं, तो ये मैंने रख लिया है टाइम पास के लिए। मैं इसे अच्छी तरीके से पढ़ती जाऊँगी और अपनी वॉच को अच्छी तरीके से देखती जाऊँगी क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी है कि उनको मेरी स्मार्ट वॉच की सीरीज़ देखनी है, तो मैं बहुत ही अच्छे से समझ के सारी जानकारी लेके बहुत ही अच्छे से मैं बताने वाली हूँ कि इस स्मार्ट वॉच में क्या क्या फ़ायदे हैं और इनसे आपको किस तरीके से यूज़ करना है, वो मैं सब कुछ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आपको बताऊँगी। ये एक और पैकेट मैंने खुला हुआ है जिसमें मैं दिखा रही हूँ, मैंने
बच्चे के एक शूज़ तो ये रखे हैं क्योंकि उसने कुछ ब्राउन कलर का ड्रेस पहनना है वहाँ पर, एक ऑरेंज कलर का पहनना है, तो ये मैंने नैनीताल से उसके लिए वुलन शूज़ लिए थे, तो एक ये मैंने रख लिया है रुशान के लिए। और देख सकते हैं बाथरूम में बच्चे को नहलाना है या उसको तैयार करना है, पट्टी वगैरह जाना है, तो एक स्लीपर रख लिए, क्योंकि होटल्स में आप जाइए ना, आप मांगते रहेंगे, आपको स्लीपर नहीं देते होटल वाले, अपने शूज़ वगैरह पहन के तो नहा नहीं सकते। अपने ज़्यादातर डेनिम ही देखिए रखी हुई है, तो उसी से मैचिंग मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स शूज़ रखे हुए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप किसी हिल स्टेशन पर जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लगेज न ले जा करके इस तरीके के कपड़े ले जाएँ कि वो आपके दूसरे कपड़े पर भी सेट हो जाएँ, जैसे जैकेट है किसी दूसरे ड्रेस पर सेट हो जाए। अब हर कपड़ों की मैचिंग आप ढूंढते रहेंगे, वहाँ परचेज़ करते रहेंगे कि पिक्चर में लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये मैच नहीं कर रहा है या ये इसका कंट्रास्ट नहीं अच्छा है। और ज़्यादातर आपको ठंडी जगह पे जाना है तो वूलन कपड़े, अगर आप जैसे नहीं वूलन कुर्ती और जो सेट होते हैं दुपट्टे वपट्टे वाले शॉल वाले वो रखेंगे तो और ज़्यादा बाउंसी और ज़्यादा हैवी हमारा लगेज हो जाने वाला है। तो कम से कम चीज़ों में किस तरीके से हम लोग ले जाएँ वही मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आई होप कि आप लोगों को मेरे पहले के एक्सपीरियंस से और अब की तैयारी से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या सीखा और क्या आपको समझाने की कोशिश करी है कि कम से कम कपड़े ले जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ले जाएँ जिनको आप एक से दूसरे के साथ मैच करके पहन सके वहाँ पर। और मैं भी आपको पहन के वहाँ पर दिखाऊंगी, तो फोटोज़ वगैरह मैं डालूंगी कम्युनिटी पे, आप लोग देखते रहिएगा और बताइएगा कि किस तरीके के आपको हमारी ब्लॉग लग रहे हैं। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा और हमारी आगे आने वाली शिमला और मनाली की पूरी सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूना की दुनिया। बाय बाय फ्रेंड्स।